वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण अगली अष्टपदी का विचार आपां करांगे। पहले श्लोक करण कारण, करण याने करण वाला अर्थात परमात्मा, कारण याने की कारण नाल, रीजन, कारण याने रीजन। करण कारण प्रभ एक है, करने वाला भी रीजन भी वो इक्को हैगा, दूसर ना ही कोई, दूजा कोई भी नहीं है। नानक तिस बलहारणे जल थल महियल सोए, जल विच भी होई है, थल विच भी होई है, नभ विच भी होई है, हर जगह ओही 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 है। अष्टपदी करण करावन करने जोग, करण वाला भी ओही है, कराण वाला भी ओही है, क्योंकि कारण उदय ही है, इक्को हैगा। करने हार करने जोग, ओ योग्यता रखदा करण दी और करावण दी भी, साढ़े तो जो मर्जी चाहे करवा सकता है, करावन करा सकता है, और करने जोग करण जोग भी ओही हैगा। जो तिस पावे सोई होग, जो उसनू पाउंदा है ओही होंदा है। खिन में थाप उथापन हारा, खिन विच जेड़ा है किसे भी पल, एक पल विच ओ थाप दिंदा है, और एक पल विच ओ उठा भी सकदा है, सट भी सकदा, तोड़ भी सकदा, खिन में थाप बना सकदा है, उथापन हारा उठा के खत्म भी कर सकता, अंत नहीं किछ पारा वारा, उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई पार नहीं है, एक किनारा दूजा किनारा, कोई किनारा ही नहीं है उसका। हुक्म धार अधर रघावे, सब कुछ जोड़ी चीज है वो हुक्म ने धारी हुई हैगी। ओही जेड़ा उदा आधार हैगा हुक्म, हुक्म जेड़ा है वो परमात्मा दा आधार हैगा, हुक्म विच ही सब कुछ चलदा रहिंदा। हुक्मे उपजे, हुक्म समावे, हर चीज जेड़ी है उसदे हुक्म विच उपजदी है, और फिर हुक्म विच ही समा जांदी है। कई क्रिया कलाप जेड़े ने हो रहे ने वो हुक्म विच हो रहे ने, फिर हुक्म विच ही जेड़ा है मनुख समा जांदा, हर कुछ समा जांदा, हुक्म नाल ही उपजदा है, हुक्म विच ही समा जांदा है। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, मनुख जेड़ा व्यवहार करदा है या जिस भी चीज़ दा व्यवहार झाड़ा दा पक्षियां दा हो रहा है, ओ उच्चा निच्चा यदि तुहानू लग रहा तो वह भी हुक्म विच हो रहा। हुक्मे अनेक रंग प्रकार, हुक्म दे ही अंदर जेड़े ने ना कई रंग और कई प्रकार हैगे ने हुक्म दे अंदर ही। कर कर देखे अपनी वड्याई, वो करदा रहिंदा हर किस्म दे रंग और अपनी ही वड्याई वेखदा रहिंदा। नानक सब में रिहा समाई, गुरु साहब आखरे ने वो हर किसे विच समाया होया, हर किसे विच ओदी ताकत ओदी एनर्जी समाई हुई है। प्रभ पावे मानुख गत पावे, जिस प्रभु जो प्रभु किसे भी मनुष्य नू भा लेंदा या प्रभु नू जो भी मनुख भा जांदा सोना लग जांदा उस मनुख दी गति हो जांदी। प्रभ पावे ता पाथर तरावे, जे प्रभु भाएगा या चाहेगा ते पत्थर दी भी गति हो जांदी। पत्थर मतलब जेड़े मूड़ मनुष्य हैगे ने, समझदार नहीं है,
लेकिन वह यदि उसनु चाहेगा भी यदि भी गति हो जाए तो ओदी भी गति हो जाती। प्रभावे बिन सास्ते राखे, यदि प्रभु चाहेगा तो बिना सा तो भी रख लेता है। प्रभावे ता हर गुण पाखे, प्रभु चाहेगा ता ही मनुख जेड़ा हरु दे गुण दा गायन कर सकता है। अदरवाइज हरि दे गुण गायन नहीं हो सकते जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। आप करे आपन विचारे, वो विचार जेड़ा अपने आप वो ही करता है। दूहा सिरिया का आप स्वामी, कोई भी चीज़ दे दो सिरे होंदे ने, जिस तरह मनुख है या कोई भी जीव है, एक सिरा उदा जन्म दा, एक सिरा उदा समाप्त दा, दोहां सिरिया का आप स्वामी, ओ जड़ा परमात्मा है ओ ही स्वामी हैगा। खेले बिगसे अंतरजामी, खेलदा रहंदा है विगसता, इस तरह डेवलप फैलाव होंदा रहंदा, लेकिन वो अंतर्यामी है, वो सब गल्ला समझदा है। विकसित भी जड़ा हो रहा है वो चलते ही हो रहा है, उदी खेड़ चलती रहती है। जो भावे सो कार करावे, जो उसनू भांदा है साढ़े कोलों कोई कम करा लेंदा है, साढ़े कोलों ही नहीं, बदल आसमान नदी चंद तारे पृथ्वी सब उदे हुकम उदी चाहत अनुसार बनया है और उदी चाहत अनुसार ही चलदा है। नानक दृष्टि अवरना आवे, नानक कहंदे भाई होर कोई तो मैनू दिखदा ही नहीं, दृष्टि विच कुछ नहीं दिखदा, सिर्फ ओही ओही जड़ा है समझ आंदा है दिखदा। कहो मानक ते क्या होए आवे, मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकदा। ज्योतिष पावे सोई खरावे, जो उसनू पांदा है वह कम करवा लैंदा है। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, इदे हाथ विच होंदा मनुख दे ता फिर वह सब कुछ लैके बह जांदा। ज्योतिष पावे सोई करे, जो उसनू भांदा है वही करांदा है और करदा है। अनजानत बिखिया महे रचे, जदि सानू जान पछाणत नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, असी बिखिया विच जड़े हैं रचे रहंदे। जिस तरह ही सानू ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा कि ये भी गंदा काम है, तो असी भी दूर हो जाते, लेकिन ओदी कृपा नाल होंदा है। भरमे भूला दहदिस धावे, जेड़ा भरमा विच है भूला होया वो दसा दिशाहां विच फिरदा रहंदा, दौड़दा रहंदा, उदा मन जेड़ा है धावदा मतलब दौड़दा रहंदा दसा दिशाहां विच। निमक माह चार कुंट फिर आवे, वो मन की गति कितनी रही कि एक मिनट में जेड़ा ना चारे कुंठा चारे पासे भाल के वापस आ जाता मन। कर कृपा जिस अपनी भक्त दे, जिसने कृपा कीती है और गली जड़ी है गति जड़ी है सारी भले पासे कर दिती, अपनी भक्ति दिती, नानक तेजन नाम मिले, उनानू नाम मिल जाता है, उनानू नाम दी टेक्निक जुगत समझ आ जाती है। खिनमय नीच कीट को राज, एक पल विच किसी कीड़े नू भी राजा बना सकता है। पार ब्रह्म गरीब निवाज, पार ब्रह्म जेड़ा है वह गरीबानू नवाजदा है, वह गरीबानू उत्ते चकदा है। जाका दृष्ट कछ न आवे, लेकिन वह दृष्टि विच नहीं आता कभी भी, तिस तत्काल दहदिस प्रगटावे, लेकिन दसा दिशाहां विच उदा प्रताप फैलिया होया है और जिसनू उसने मदद करनी होंदी तत्काल वो आ जांदा, इमीडिएट आके मदद करके चला जांदा। जाको अपनी करे बख्शीस, जिदे उत्ते बख्शसा कर देंदा है, ताका लेखा ना गने जगदीश, फिर ओदा लेखा जोखा कोई नहीं कर सकता, जगदीश भी नहीं करदा। जियो पिंड सब तिसकी रास,
जीव ये जेड़ा साडे अंदर जीव हैगा, साडा पिंडा हैगा, श्वासा दी राशि नाल साडा पिंडा जेड़ा चल रहा है, और वो जीव तद तक रहेगा जद तक ये पिंड विच सा चल रहे ने। जिस तरह ही सा मुक जाणगे, खत्म हो जाणगे, तो डॉक्टर उसनू डिकलेयर कर देने भाई ये जड़ी बॉडी है हुण ए डेड हो गई, और जीव भी उसे वेले ये बॉडी नू छट के चला जाएगा। घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, घट घट विच ओ पूरन ब्रह्म दा जड़ा प्रकाश हैगा, ये गुरु महाराज लिख रहे हैं। घट घट पूरन पूर्ण ब्रह्म प्रगास, घट घट विच जड़ा ना वो विद्यमान है, उदा एग्जिस्टेंस हैगा घट घट विच, और पूरन थोड़ा मोड़ा नहीं है कि इतने थोड़ा उत्थे वाधा है, गुरुद्वारे विच ज़्यादा है, तुहाडे घर विच है ही नहीं, सड़कां विच है ही नहीं, घट घट हर घट विच हैगा, हर जगह विच हैगा। पूरन ब्रह्म प्रकाश, पूरा जिहड़ा ब्रह्म है उहदा प्रकाश हैगा। ना अपनी बणत आप बनाई, वो परमात्मा ने अपनी खुद दी बणत आप ही बनाई है, और किसी ने नहीं बनाई, उहदी माँ प्यो नहीं है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम नाल नहीं आया, अपनी बणत आप बनाई, उसने अपनी बणत आप ही बना ली। साडे मापे हैं वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन उदा कोई मदर फादर नहीं, वो सारियां दा मदर फादर। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बड़ाई। गुरु नानक देव जी आखते ने भाई मैं तो उदी बड़ी वड्याई समझदा कि आप ही उसने अपने आप नू बना लिया। ये गल करके नहीं, होर भी उपरयुक्त जितना आपां कर सक, गुरु साहब ने डिस्कस किया दस्या, सब देख के उदी वड्याई दा कोई अंत नहीं। इसका बल ना ही इस हाथ, बल जेड़ा वो परमात्मा दे हाथ विच हैगा, इसका नहीं है, मेरा नहीं है, होर किसी का नहीं है। करण करावन सरब को नाथ, करने वाला करण वाला वो सारिया दा नाथ है, लेकिन ओदा कोई नाथ नहीं है, वो मेरा नाथ है, तुहाडा नाथ, सबदा नाथ है, ओदा कोई नाथ नहीं है, वो अपने आप बनया। आज्ञाकारी बपरा जीओ, आज्ञाकारी जेड़ा है, यदि मनुख आज्ञाकारी हो जाए और उदा पुत्र बन जाए तो वह गल वधिया। ज्योतिष पावे सोई फुन थियो, जो फिर वो चाहेगा उसनू प्राप्त हो जाता। कभू ऊंच नीच मह बसे, ऊंच विच भी वसदा है, नीच विच भी वसदा है। कभू सोख हरक रंग हसे, कदे कदे जेड़ा है सोग और हरक उदे विच भी हसदा रहिंदा। कभू निंद चिंद व्यवहार, निंद और चिंद विच भी उदा व्यवहार चलदा रहिंदा है। कभू उड़ आकाश पयाल, उड़दा रहिंदा आकाश देखो, उड़दे रहिंदे, उड़दा रहिंदा। कभू बेता ब्रह्म विचार, कोई कोई बंदा कदी कदी ब्रह्म दा विचार करदा है, थोड़ा बहुत विचार कि भाई गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी जितने भी विचार दे रहे हैं, ये सब उस परमात्मा दे ही विचार चल रहे हैं। नानक आप मिलावण हार, हुण गुरु साहब दसदे ने भाई वो आप ही है, मिला लेगा तो मिला लेगा, मिलावण हार वही हैगा। मैं सिर्फ दसण वाला हाँ, गुरु अलग है, जन अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा जेड़ा वो मिलावण हार है, वो मिला लेंदा। गुरु दसेगा भी इस युक्ति नाल मिल सकदा है, गुरु ज्ञान देगा, सिख उस ज्ञान नू प्राप्त करके कोशिश करेगा, फिर मिलावण हार जेड़ा वो मिला लेगा। कभू निरत करे बहुपात,
कदी कदी जड़ा कोई कोई व्यक्ति निर्त करता रहता अनेक भांति नाल उसनू प्राप्त करने वास्ते कबू सोए रहे दिन रात कदी कदी दिन ते रात सोंदा रहता कबू महाक्रोध विकराल कदी कदी क्रोध भी आंदा महाक्रोध भी आंदा विकराल क्रोध भी आ जाता कबू सरब की होत रवाल कदी कदी सारिया की जड़ी है रवाल उद हो जाती है कबू बहे बड़ राजा कदी कदी वड्डा राजा बन के बह जाता कबू पिकारी नीच का साजा कदी कदी भिखारी बन के बह जाता है कबू अप कीरत में आवे कई कई लोग उसनू बुरा भी आखते हैं मैनू की दिता अप कीरत मैनू कुछ दिता ही नहीं परमात्मा ने ऐसे भी बहुत लोग है ते अप कीरत मतलब फिर उदी कीरती लोग नहीं करते हैं लेकिन वो उदे विच भी है अप कीरत विच भी वो है कबू भला भला कहावे फिर कोई कोई आखता है भाई बड़ा भला बड़ा भला 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 कहावे कहवांदा रहिंदा है मतलब जो दुनिया का पसारा जो दुनिया में खेड़ चल रहा है गुरु साहब वो दस रहे ने कि हर जगह उदा रंग है जो प्रभु राखे तिम ही रही है जिस तरह प्रभु रखदा आप कीरत करन वालिया नू भी उसे ने रखिया होया कई आप कीरत ही करी जा रहे आप कीरत विच भी है जो प्रभु भावे तिम ही रहे जिस तरह प्रभु नू भांदा है उसे तरह ही मनुख नू ओ रखदा है गुरु प्रसाद नानक सच कहे हुण इत्थे गुरु अर्जन देव जी रह आख रहे भाई गुरु की कृपा नाल जो भी किया है नानक ने या मैं पंचम पातशाह ने सच कह दे सच कहे सच कह रहा गुरु की कृपा नाल अपनी वड्याई नहीं लिखी कि मैं गुरु अर्जन देव जी आख रहा हाँ गुरु की कृपा नाल सच कह रहा सच दे बारे कह रहा मतलब गुरु साहब भी अपने आप नूं ऐ दसदे ने भाई गुरु की कृपा है ते ऐ है गुरु की कृपा है ते सच कह रहा आपां नूं गुरु की कृपा अपने गुरु साहब ही ये लिख रहे ने भाई कि गुरु की कृपा नाल सब चल रहा ये गल आपां नूं दृढ़ करके समझ लेनी चाहिए जो भी होंदा गुरु की कृपा नाल हो रहा कबू होए पंडित करे वखान स्कॉलर लोग वख्यान करते हैं कबू मोन धारी लियावे ध्यान कदे जेड़ा परमात्मा मोन धारी बन जाता है और ध्यान ला के बैठ जाता एकदम मोनी कोई उदे अंदर जेड़ा विचार नहीं रहेगा मौन अंदरों मौन जबान दा मौन नहीं मन दा मौन जेड़े मन दे विच मौन रखते ने उन्हां नूं ही मोनी आखते ने मन चुप हो गया मोनी बन गया मोनी दा असली शब्द जेड़ा है मन हैगा फिर मन तो जेड़ा जेड़ा चुप हो जाता उसनूं मोनी आखते ने लेकिन अपनी दुनिया विच की प्रचलन है जेड़ा बोल नहीं रहा मौन वो मौन मौन नहीं है जब अंदर दा मौन आएगा तो उसनू आपां मौन समझना कभू तट तीर्थ इशनान तटा तीर्थां विच भी जाके देखो लोग इशनान करते रहते हैं वो भी उदा ही रूप हैगा कभू सिद्ध साधक मुख गयान कई साधक और सिद्ध लोग जो वो मुख तो ज्ञान वख्यान करते रहते हैं वो भी उदा ही रूप है कभू कीट हस्त पतंग होए जिया कदी कदी जीव जेड़े ने वो पतंगे बन जाते ने कीड़े बन जाते ने या कीड़े पतंगिया विच भी ओ ही हैगा अनेक जोन भरम है भरमी आ अनेक जोन जेड़ा है भरम भरम के जेड़ा है ये मानुष की देह विच प्रविष्ट होया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे नाना प्रकार के रूप जेड़े ने उस परमात्मा ने दिखाए ने ज्यों प्रभु पावे तिवे नचावे जिस तरह प्रभु नू पांदा है समझ आंदा है उस तरह होंदा हैगा।
नचांदा है। नानक दूजा अवर ना होए, नानक कहंदे ने दूजा कोई नहीं हैगा, इक्को है बस ओही है। कबू साध संगत इह पावे, कदी कदी साध दी संगत मिल जांदी है, इसनू पा लैंदा है। उस अस्थान ते बहुर ना आवे, फिर उस अस्थान विच फिर के फिर नहीं आना पैंदा, अगली बेरी नहीं आना पैंदा। अंतर होए ज्ञान प्रगास, जिस तरह ही ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर हो जाता है, उस स्थान का नहीं विनाश, फिर उस स्थान का विनाश नहीं होता है ज्ञान दे चलते। मन तन नाम रते एक रंग, मन और तन दो चीजा ने, मन तन नाम रते एक रंग, यदि मन और तन नाम विच एक रती गया है, मच्योर हो गया है, घुल मिल गया है परमात्मा दे एक रंग विच, मन और तन सदा बसे पार ब्रह्म के संग, फिर ऐसा जेड़ा है भगवती उसने भगवंत नू प्राप्त कर लिया वाली स्थिति आ जाती है, पार ब्रह्म फिर उदे नाल वसदा है। ज्यों जल महजल आए खटाना, जिस तरह जल ते जल विच कोई जड़ा फर्क नहीं रहिंदा, मिल जाते ने, उसे प्रकार जीवात्मा और परमात्मा आपस विच मिल जाता है। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, फिर ज्योत विच ज्योत समा जाती है, साढ़े अंदर जड़ी ज्योत है परमात्मा दी ज्योत विच ज्योत समा जाती है। नाम जपना मिट गए गवन, फिर आन जान दा गेड़ा जड़ा है वह मिट गया। खाता गवन मतलब हुण जाना ही नहीं है, आन दी गल ही नहीं है, इस करके गवन शब्द आप प्रयोग कीता। मिट गए गवन पाए विश्राम, हुण जान दा कोई चक्कर नहीं है और विश्राम अवस्था प्राप्त हो जाती है नाम जपना। नानक प्रभ के सद कुर्बान, नानक कह रहे ने पंचम पातशाह के भाई सदा कुर्बान हाँ। ये जड़ी पौड़ी है, ये जड़ी अरसपदी, ये बहुत डूगी गल महाराज ने आग दिती भाई, जो उसनू पांदा हैगा वही होंदा है, जो हुकुम विच है उदे विच चलना है, और हर कुछ जेड़ा गुरु साहब भी जो लिख रहे ने कर रहे ने वो कृपा नाल कर रहे ने। आपां हुण जो भी क्रिया करा उदे विच यही समझा के भाई उदी कृपा, उदी कृपा। जिस तरह अपने मन में यह भाव आ जाएगा ता फिर जेड़ा है जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ जीवन नू रूपांतरित करने वास्ते जेड़ा है ये पाठ, ये पौड़ी, ये सुखमनी साहब गुरु साहब ने रचिया कि भाई सिखा तू अपने नज़रिए नू बदल, करोड़ा करोड़ा चीज़ा हैं, करोड़ा करोड़ा लक्षण हैं, सिर्फ नाम जप और अपने हर चीज़ विच तैनू नाम जेड़ा है समझ आए दिखे, हर चीज़ विच शुकराना कर, गुरु दी कृपा समझ, जो भी गतिविधि तू कर रहा सा लै रहा कर रहा वो सब गुरु दी कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।